हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आप सभी का प्यारा सा चैनल इडियो 360% में आयुष सर के साथ। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है पहले ओपन सर्किट फॉल्ट। बहुत ज्यादा ये आदमी को परेशान करता है कि क्या होता है ओपन सर्किट फॉल्ट भैया, तो हम बताएंगे ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ई का होता है, ई भी पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे कि सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पढ़ेंगे उन दोनों में। फिर पढ़ेंगे वोल्टेज सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। फिर पढ़ेंगे करंट सोर्स कितने प्रकार का होता है, वो भी दो प्रकार का होता है, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। फिर पढ़ेंगे जो वोल्टेज सोर्स होता है उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा हाई होता है कि लो होता है, अगर लो होता है तो कहां जुड़ता है, पैरेलल में कि सीरीज में। फिर यही बात हम लोग पढ़ेंगे करंट सोर्स में कि जो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कहां जुड़ता है, पैरेलल में कि सीरीज में, और उसका वैल्यू ज्यादा हाई होता है कि ज्यादा लो होता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं खुला परिपथ दोष ओपन सर्किट फॉल्ट। तो जब किसी परिपथ में यानी जब किसी सर्किट में कोई चालक या तार यानी कोई कंडक्टर या वायर टूट जाए, जब किसी परिपथ में कोई कंडक्टर या वायर का होता है टूट जाता है, वायर टूट जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न हुए दोष, तो इस टूटने के कारण जो फॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसे ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं, उसे ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले साथी हमारे लिखे, When a conductor, when a conductor or wire break in a circuit, break in a circuit, the fault thus produce, the fault thus produce is called open circuit फॉल्ट, इज कॉल्ड ओपन सर्किट फॉल्ट। अब देखिए ये जो एक पॉइंट है, अतः खुला परिपथ दोष की, अतः ओपन सर्किट फॉल्ट की कंडीशन में, जब ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ रहता है उस कंडीशन में धारा का मान जीरो हो जाता है, क्या होता है, करंट का मान जीरो हो जाता है, तथा प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता है। जब ओपन सर्किट फॉल्ट होता है तो उस समय क्या होता है, करंट का वैल्यू एकदम जीरो हो जाता है और जो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है वही इनफाइनाइट हो जाता है। अभी इसको हम लोग देखेंगे, प्रूफ करेंगे। तो लिखिए, देयरफोर इन द कंडीशन ऑफ ओपन सर्किट फॉल्ट द वैल्यू ऑफ करंट बिकम जीरो एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिकम इनफाइनाइट देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए कि एक तार है, ये तार यहां से क्या हुआ, टूट गया, यहां से करंट चलेगी हमारी, यहां तक आएगी, यहां से अब करंट तो फ्लो नहीं होगी, करंट यहीं पे हमारी रुक जाएगी, यहां से तो तार हमारा टूटा हुआ है, तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारा तार में करंट जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अब हम पढ़े V इजकल टू आई आर। अब देखिए R इजकल टू V बाई आई, यहां से हम लोग लिख सकते हैं R इजकल टू V बाई आई। अब देखिए, जब धारा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो अगर 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, तो हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इस वाले एक्सप्लेनेशन को सारे लोग लिख ले। अब देखिए, अब पढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी भी सिस्टम में या सर्किट में, दो या दो से अधिक तार एक दूसरे से कंटेक्ट में आ जाते हैं, तब जो फॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसे ही कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट।
और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कंडीशन में करंट एकदम जीरो के लगभग जीरो हो जाती है और हमारा करंट क्या जीरो नहीं करंट इनफाइनाइट हो जाती है और प्रतिरोध हमारा क्या हो जाता है लगभग लगभग जीरो हो जाता है। तो देखिए जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक चालक यानी कंडक्टर या तार यानी वायर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए तो इस प्रकार उत्पन्न फॉल्ट, तो इन जुड़ जाने के कारण जो फॉल्ट उत्पन्न होता है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलते हैं और इस फॉल्ट को क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की कंडीशन में अब जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ रहता है उस समय धारा का मान अधिक तथा प्रतिरोध का मान जीरो हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ रहता है तो धारा का मान क्या होता है एकदम अधिक हो जाता है जबकि हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मान क्या होता है एकदम कम हो जाता है। तो इसको हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे When two or more conductor or wire connected to each other in an electric circuit, then the fault produced in this way is called short circuit fault। और दूसरा पॉइंट जो है उसको इंग्लिश में लिखा है in the condition of short circuit fault the value of current become maximum and the value of resistance become zero। अब ये डायग्राम हमारे सारे साथी बनाए types of source वोल्टेज सोर्स करेंट सोर्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स सेम इसी प्रकार इसमें भी प्रैक्टिकल करेंट सोर्स आइडियल करेंट सोर्स ये दोनों साथी हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले दोनों साथी इसको बनाए देखिए जो अब वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे उस इससे पहले ही फ्लो डायग्राम तो सारे साथी लिख लिए हैं हमारे। अब जो इसमें वोल्टेज सोर्स वो पढ़ेंगे तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है भैया
तो वोल्टेज सोर्स होता है बेसिकली एक डिवाइस जिसके दो टर्मिनल होते हैं, एक युक्ति होता है जिसके दो टर्मिनल होते हैं, उस दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर जो होता है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसे वोल्टेज सोर्स कहते हैं। और वोल्टेज सोर्स का उदाहरण है बैटरी। वोल्टेज सोर्स का उदाहरण क्या है, बैटरी है। यानी वोल्टेज सोर्स कौन कौन है, तो बैटरी है। तो वोल्टेज सोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं, तो अतः प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होता है। कहने का मतलब इसका यह है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध भाई कुछ न कुछ होता है, चाहे कितना भी कम हो कुछ न कुछ होता है। और देखिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहता है, और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा उस बैटरी के श्रृंखला में क्या होगा, जुड़ा रहेगा, उसके श्रृंखला में जुड़ा रहेगा। और भाई इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कम से कम काहे होता है, काहे होता है भैया, तो क्योंकि प्रतिरोध का मान कम होने से, उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो प्रतिरोध का मान कम होने से वोल्टेज ड्रॉप का मान भी कम होगा। और प्रतिरोध का मान कम होगा, उस प्रतिरोध में जब हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई जितना कम, वोल्टेज ड्रॉप भी उतना कम कराएगा आई आर। तो वोल्टेज ड्रॉप जितना कम कराएगा तो उसके टर्मिनल पर मिलने वाला वोल्टेज क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा जाएगा, जिससे टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, जिससे टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। मैं सीबीएसई बोर्ड वाले साथी इसको लिखे सारे लोग को, मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, इसके बाद में इसको डायग्राम बना करके समझा रहा हूं। तो लिखिए द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज मिनिमम बिकॉज, दूसरा पॉइंट, बिकॉज बाय डिक्रीजिंग the value of terminal voltage increase। दूसरा पॉइंट लिखिए ये वाला, ये हो गया, ये लिखिए द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज ऑलवेज, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी, इन सीरीज विथ बैटरी। अब देखिए इसको एक डायग्राम से हम समझा रहे हैं, डायग्राम दोनों हमारे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों वाले बच्चे को बनाएंगे अपने कॉपी पे। तो देखिए ये डायग्राम ऐसे बना रहे हैं कि हमने लगाया एक ईएमएफ सोर्स, यानी वोल्टेज सोर्स, ये हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया जिसका ईएमएफ ई है, जिसका ईएमएफ ई है, ई इसका रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, ई का रहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमेशा इसके किस में जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ेगा, और ई रहा इसका टर्मिनल ए और बी। अब देखिए यहां से करंट हमारी जा रही है आई, यहां से हमारी करंट क्या जा रही है आई, ठीक है, और ई का है आर, है इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो यहां से हम भेज रहे हैं दस रुपया, एग्जाम्पल के रूप में जब हम यहां से 10 रुपया भेज रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, 10 के 10 रुपया यहां पर हमारी मिल जाए, 10 के 10 रुपया हमारे यहाँ पे मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, काहे नहीं होता है, क्योंकि 1 रुपया यहाँ पे गिर जाएगा, यही कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। तो मान लीजिए यहां से हम भेज रहे हैं 10, यहाँ पे 10 रुपया है, 10 वोल्ट मान लीजिए, यहाँ पे हमारा 10 क्या है वोल्ट है, तो हम ये भी हम यही चाहते हैं ना कि यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट इस टर्मिनल पे भी मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए कि यदि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसमें फ्लो होने वाली करंट 4 एम्पियर है, इसमें फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर है, तो इसमें जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू आई आर, तो
आई इसमें 1 एम्पियर फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस इसका 2 ओम है, यानी कि 2 बोल्ट तो यहीं पे गिर जाएगा। तो 10 में से 2 बोल्ट यहाँ पे गिर जाएगा, तो यहाँ पे हमारा मिलेगा 8 बोल्ट। तो इसी कारण से 2 जितना कम होगा, यानी कि 2 इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम रखते हैं कि टर्मिनल पे वोल्टेज हमारा क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इसको जो हमारे साथी है उसको ऐसे बना ले, ये आई इसको दिखा दे कि आई है, यहां से फ्लो हो रही है आई, और ये हमारा आर है, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये है हमारा टर्मिनल, टर्मिनल टर्मिनल लिख लीजिए, ये हमारा क्या है टर्मिनल है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये हमारा टर्मिनल है और ये हमारा क्या है प्लस है और माइनस है। तो अभी जो हम इसमें पढ़े हैं ये बात कि क्या होता है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है, और ये हमेशा बैटरी के सीरीज कनेक्शन में जुड़ा रहता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना कम रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू जितना कम रहेगा, टर्मिनल पे हमारा उतना ही अच्छा वोल्टेज प्राप्त होगा, टर्मिनल पे हमारा उतना ही अच्छा वोल्टेज प्राप्त होगा। अब देखिए इसको पढ़ते हैं आगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स है जो, ये है आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स तो हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आदर्श, आइडियल का मतलब है आदर्श, जो दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आदर्श चीज दुनिया में कोई नहीं है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स ये थ्योरिटिकल है, ये होता नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी बैटरी हो चाहे इतना छोटा चाहे इतना बड़ा, कोई सा भी हम बैटरी खरीद के लाते हैं, तो उस बैटरी का अपना खुद का प्रतिरोध कुछ ना कुछ भैया होता है, चाहे वो 1 ओम से कम हो, लेकिन उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। देखिए क्या है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कह रहा है हमारा कि एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू, जिसके आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। और देखिए पॉइंट लिख लीजिए कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम लगभग 1 ओम से कम रखते हैं, इंटरनल जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है आंतरिक प्रतिरोध, उसका मान 1 ओम से हम लोग कम रखते हैं। अब ये देखिए ये हमने बनाया ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये है प्लस और ये है माइनस। अब देखिए ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, टर्मिनल वोल्टेज ये ओपन नहीं है, यानी खुला नहीं है, कहने का मतलब है कि बल्ब हो तो भी इसी के बीच हम जोड़ेंगे, पंखा हो तो भी इसी के बीच हम लोग जोड़ेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हमें रन करानी हो वो हम इसी के बीच में जोड़ते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो यहाँ से वोल्टेज चल रहा है वह चाहिए। तो अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 कर देते हैं तो जो वोल्टेज यहाँ था वो वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल में है लेकिन ऐसा होता, सॉरी आइडियली है लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल में ये रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, कितना होता है तो 1 ओम से कम होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ बल्ब ही जोड़ दिया, बल्ब तो यहाँ का बल्ब का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा बल्ब का आर एल, तब यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। तो हमारे सभी साथी इसको सीबीएसई बोर्ड वाले खास करके साथी इसको आइडियल वोल्टेज सोर्स का वो हेडिंग दे, और इसको मैं बोल दे रहा हूं, लिखिए अ वोल्टेज सोर्स हुज इंटरनल रेजिस्टेंस, अ वोल्टेज सोर्स हुज इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज जीरो इज कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स
इज कैप्ट टू बी मिनिमम, इज कैप्ट टू बी मिनिमम ब्रैकेट में अप्रोक्स 1 ओम और लेस देन 1 ओम, अक्रॉस अप्रोक्स 1 ओम या लेस देन 1 ओम। देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब करेंट सोर्स की, भैया करेंट सोर्स क्या होता है, करेंट सोर्स होते कितने प्रकार के हैं। अगर करेंट सोर्स में प्रतिरोध होता है तो कहां जुड़ता है, प्रतिरोध इसमें भी कम से कम होता है कि ज्यादा से ज्यादा होता है, ये सारी बात हम लोग जस्ट अभी इसके बाद करेंगे करेंट सोर्स में। देखिए जो ये है करेंट सोर्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता क्या है, इसके बाद हमने पढ़ा वोल्टेज सोर्स के दो टाइप होते हैं, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ये बात हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जिसकी बारी आती है, इसका टर्म आता है, वो है करेंट सोर्स। नहीं, करेंट सोर्स क्या होता है, तो एक करेंट सोर्स वह होता है कि यदि हम लोग कोई भी वोल्टेज, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो उससे फ्लो होने वाली करेंट क्या हो, कंस्टेंट हो, नियत हो, उसी को करेंट सोर्स कहते हैं। और करेंट सोर्स दो प्रकार के होता है, एक आइडियल करेंट सोर्स और एक प्रैक्टिकल करेंट सोर्स। तो हम आइडियल करेंट सोर्स और प्रैक्टिकल करेंट सोर्स, आइडियल करेंट सोर्स और प्रैक्टिकल करेंट सोर्स दोनों की बात कर लेंगे एक ही साथ, दोनों की बात कर लेंगे। तो देखिए होता क्या है कि करेंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि करेंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा करेंट सोर्स के साथ, हमेशा करेंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हमेशा करेंट सोर्स के साथ किस क्रम में कनेक्ट करते हैं भैया, तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखिए ये है हमारा करेंट सोर्स, ठीक है, इससे करेंट आई फ्लो हो रही है एकदम मजे में, करेंट आई फ्लो हो रही है। अब देखिए क्या होता है, ई है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ई है इसका आंतरिक प्रतिरोध, क्या है आर, जिसमें और ई है लोड, यहां हम लोग क्या लगाए हैं टर्मिनल है, इस यहां पे लगाए हैं लोड, लोड मतलब क्या, यहीं पे लगा हुआ है बल्ब लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, बस यहीं पे लगा हुआ है, ये है आर एल यानी लोड का प्रतिरोध है। तो सारे बल्ब का भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, सारे रेजिस्टेंस को आर एल लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये है इसका आंतरिक प्रतिरोध। यहां से धारा चली, धारा को जाने के दो रास्ते, एक रास्ता इसमें तो यहां पे गई आई वन, यहां पे गई आई वन और यहां पे गई आई एल, धारा को जाने के एक और रास्ते आई एल, तो यहां पे जो आई है आई वो दो भागों में बट गई, आई वन प्लस आई एल, एक धारा आई वन जो है वो इसके आंतरिक प्रतिरोध में, और जो आई आई एल जो है हमारी, जो हमारी आई एल है वो लोड में फ्लो होने वाली करंट है, जो आई एल है हमारी वो कहां फ्लो हो रही है, लोड में फ्लो हो रही है। अब हमें निकालना है कि लोड में फ्लो होने वाली करंट कितना है, तो हम निकालेंगे आई एल इजकल टू आई माइनस आई वन, इंटरनल रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली धारा। तो ये देखिए यहां पे जो वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज है, क्या है टर्मिनल वोल्टेज है, और हम ये जानते हैं कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज हर जगह समान होता है, यानी जितना वोल्टेज यहां उतना ही वोल्टेज यहां और उतना ही वोल्टेज यहां, तीनों जगह बराबर बराबर वोल्टेज होंगे। तो यहां भी जो वोल्टेज है वो है वी टी, यहां भी जो वोल्टेज है वो है टर्मिनल वोल्टेज। तो यहां से हम निकालेंगे आई एल इजकल टू आई माइनस, और ये देखिए आई वन वी इजकल टू आई आर से हम लोग आई इजकल टू वी बाई आर निकाल सकते हैं। तो यहां का वोल्टेज कितना है वी टी, और यहां इसमें फ्लो होने वाली, सॉरी यहां पे इसमें इसका प्रतिरोध कितना है आर है, तो यो एक फॉर्मूला हो सकता है, ये वो आई एल इज टू आई माइनस वी टी बाई आर, ये फॉर्मूला हो सकता है। अब देखिए बात ये आती है दो कंडीशन कि भैया अगर ये जो प्रतिरोध है इस प्रतिरोध के मान को एकदम कम कर दे, कम कर दे, कितना कम हो सके तो इसे शॉर्ट कर दे,
तब इस परिपथ में का प्रभाव पड़ेगा और इस प्रतिरोध के मान को और बढ़ाते जाएंगे तब इस सर्किट में परिपथ में का प्रभाव पड़ेगा, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे केस वन और केस टू करके। तो ये सारे साथी इसको बनाए, जल्दी से मिटाने वाले हैं। आपके पास इसको रोक करके और लिखने का तरीका है, इसलिए हम जल्दी जल्दी मिटा दे रहे हैं। तो देखिए इसका क्या बोलते हैं, एक बार और सर्किट इसका बनाते हैं क्लियर। ये रहा इसका आरएल, सॉरी इंटरनल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ये है लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए ये है ई, यहां से करंट चल रहा है आई, यहां पे आया आई वन और यहां पे आया आई एल। अब देखिए क्या है कि यदि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए, जो ये बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहां पे करंट सोर्स बना लीजिए, करंट सोर्स है यहां पे, जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए, जब बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए अर्थात शॉर्ट कर दिया जाए, इसको हम मान लेते हैं कि शॉर्ट है, तब क्या होगा, अर्थात शॉर्ट कर दिया जाए, तब धारा के फ्लो, धारा के लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करने के कारण, के गुण के कारण। अब देखिए धारा का क्या गुण होता है साथी, धारा का गुण यह होता है कि जिस रास्ते पे उसको एकदम कम प्रतिरोध दिखाई देगी उसी रास्ते से पूरा पूरा बह जाएगी। जब हम इसको शॉर्ट करते हैं तो जिसका प्रतिरोध का मान होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण सारी की सारी करंट इसी रास्ते से फ्लो हो जाती है, इधर कोई जाता ही नहीं है, टोटल करंट बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से ही पास हो जाएंगी। सारी की सारी करंट कहां से पास हो जाएंगी, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से, तथा लोड में जाने वाली धारा लगभग जीरो के बराबर होगी, जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो बल्ब लगाए हैं उसमें धारा ही नहीं जाए, ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो बल्ब लगाए हैं एकदम अच्छा खासा अपने फुल पोटेंशियल के साथ वो जले, फुल पोटेंशियल के साथ वो चमके। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चली जाए इसी में। यदि हम इसको शॉर्ट करते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट करते हैं तो ये हमारा लोड पे धारा ही नहीं जाएगी, सारी की सारी धारा इसके आंतरिक प्रतिरोध से चली जाएगी। तो देखिए केस वन था, अब केस दो लिखते हैं इसमें। इससे पहले जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी हैं उन लोगों को भी ऊपर वाला करा दिया जाए। आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स दोस्तों लिख लिया है, तो लिखिए कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ करंट सोर्स ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द करेंट सोर्स, ऑलवेज कनेक्टेड विथ पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड टू द पैरेलल विथ द करेंट सोर्स। अब जो दूसरा पॉइंट है, केस फर्स्ट लिखिए, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज रिड्यूस दैट इज शॉर्टेज और दैट इज शॉर्टेड, that is shorted due to the property of following the low resistance path, due to the property of following low resistance path of the current, the total current will pass through the internal resistance of the battery, will pass to the internal resistance of the battery, and the current going to the load, and the current going to the load will be almost equal to zero, almost equal to zero, जो हम क्या चाहते हैं, ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं, which we do not want। अब देखिए दूसरा केस, ये जो दूसरा केस है, दूसरा केस ये क्या कहता है, यदि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया जाए अर्थात बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया जाए, यानी कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है
इसको इनफाइनाइट यानी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, बहुत ज्यादा बढ़ाने का मतलब है इसको हटा दिया जाए सर्किट से, तो पूरी की पूरी करेंट जो टोटल की टोटल आई थी, अब ये आई वन इधर ही फ्लो हो जाएगी, जिससे टोटल की टोटल करंट आई इंटरनल रेजिस्टेंस से यानी कि आंतरिक प्रतिरोध से न जाकर के लोड से जाएगी। किससे जाएगी? लोड से जाएगी, जो हम चाहते हैं। और हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही ना चाहते हैं कि सारी की सारी धारा लोड से पास हो। तब कब क्या होगा? जब इंटरनल रेजिस्टेंस के वैल्यू को एकदम ज्यादा हाई बढ़ा दिया जाए। अब देखिए, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। यदि आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा अनंत, आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा। जबकि प्रैक्टिकल करंट सोर्स का, जबकि प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मान का यानी मेगा ओम यानी 10^6 ओम में रखते हैं, 10^6 ओम में रखते हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे। If the internal resistance of the battery is opened, then the entire current will not go through the internal resistance. Then the entire current will not go to the internal resistance and go to the load. We want. दूसरा पॉइंट लिखे, the internal resistance of an ideal current source. The internal resistance of an ideal current source is infinite, while the internal resistance of practical current source, is very high. ब्रैकेट में करके लिख लीजिए मेगा ओम, इज वेरी हाई, ब्रैकेट में कर लिख लीजिए मेगा ओम। चलिए अब दोस्तों, जो हम अगले वीडियो में मिलने वाले हैं वो होने वाला है कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदले और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदले। और इसी के साथ हम यह कहना चाहते हैं कि आप अपने बड़े बुजुर्गों और अपने माता पिता के आदर्शों का पालन कीजिए। आप आइडियल बनिए, अपने माता पिता का के प्रति आइडियल बनिए। प्रैक्टिकल बनने की जरूरत नहीं है, और उनके सपने को पूरा करने के लिए अपने जिंदगी का एक मिनट उस रास्ते पे खर्च कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।